जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में चोरियों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल यह है कि एक वर्ष के अंतराल में सैकड़ों की संख्या में हुई छोटी बड़ी चोरियों का खुलासा न होने से नईगढ़ी के पूरे क्षेत्र में चोरों का आतंक सा फैला हुआ है। आलम यह है कि किसी भी चोरी का पर्दाफाश न होने के कारण चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हाल घटना सितंबर के 19 से 20 की दरमियानी रात की है, जब थाना क्षेत्र के दुभा गांव निवासी नरेंद्र तिवारी के यहां अज्ञात चोरों ने घर के पिछवाड़े के हिस्से से सेंधमारी कर घर के अंदर घुसे। चोरों ने सूटकेस, सोने चांदी के गहने, जेवरात सहित नकदी किया पार। घटना की जानकारी होते ही पीड़ित परिवार द्वारा नईगढ़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई। नईगढ़ी से नसीम खान की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण तिवारी है। गांव कौन सा है? गांव दुबहा, पंचायत पिपरा। ये क्या घटना घटी है यहां पर? यहां रात में हम 12-10 तक जागते रहे, 12-10 तक भैंस को देखने आए तो कोई वारदात नहीं समझ में आ रही थी। इसके बाद जो है 12-12:30 के बाद ही चोरी हुई होगी निश्चित है। पीछे से फोड़े, एक दीवार जो है ईंट की है और एक दीवार कच्ची है, उसके सुराख से फटा हुआ था, उसके हिसाब से वो चोरी किए और आदमी के निकल जाने के पूरे हिसाब से चोरी किए, जहाँ तक पेटी और बक्सा भी निकल सकता है छोटे छोटे, उस हिसाब से पार कर दिए। और मैं सोता रहा, उत्तर के घर में कोई सो रहे थे, सोने के बाद दो पेटी वहाँ। ये कब जानकारी हुई आपको कि हमारे घर में चोरी हो गई है? जब जानकारी हमको सुबह हुई, जब हम गुरुवारी करने गए तो लोग अंदर गए, उधर को हम जाते ही नहीं है, बर्तन खाना बनता। क्या 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 जो है तो चोरों ने चुराया यहाँ से? यहाँ से बक्सा दो तीन ठुले गए छोटे बड़े, और एक सूटकेस गायब है, अभी तक पता ही नहीं है उसमें जेवरात है कुछ। कुछ जानकारी हमको मिल रही है कि मंगल सूत्र, पायल, दस्तोला भर के बताबल्ला हाँ, और का बताएं हमका, मनचली जो मेरे जानकारी के परे रहा के कहाँ रखे थे, और मैंने 27,600 रुपये बैग में कागजात में मैं डाल के रखा था, वो पैसा भी चला गया। और कांसा और पीतल के जो फूल के बर्तन थे बोरी में, दो बोरी रखा था अटारी पे, वो भी नहीं रहा। टार चले गए। किसी के ऊपर आपको शक सुराग है? शक बिल्कुल डायरेक्ट है, इसलिए कि मैं कल एक 50,000 की भैंस बांधा रिश्तेदार के यहाँ तेंदुआ से, तो आदमी हमसे पूछने आया, कभी मेरे पास आता नहीं था, तो ये पूछा कि भैंस ले आएं, तो हम कहें हाँ लाला भैंस तो हम ले आएं, कहीं अच्छी भैंस है, और वो कहीं से घर में गिरा है, हम कहें हाँ गिरे है। वो हमारे पास आधे घंटे तक खड़ा रहा, पूछता रहा यही चीज़, मैं लख नहीं पाया कि ऐसा काम करेगा, लेकिन है ये निश्चित है कि शंका हमको, वही आदमी दूसरा इल्ज़ाम ऐसा काम नहीं दे सकता। अब ये भी नहीं, इनके घर की परिपाटी पूर्वज के ज़माने से बता रहे हैं कि ये किए थे एक बार हमारे यहाँ चोरी, इनके औलादी खानदानी पैसा रहा, ये दूसरा मर्तबा हमारे घर पे वार हो रहा। किसके ऊपर शक है आप? प्रतीक तिवारी, पिता संतोष तिवारी, और तीसरे व्यक्ति को मैं इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ इसी गांव के रहने वाले, पीना खाना इधर उधर घूमना इनका बस यही जड़िया चल रहा है, इसके हिसाब से मुझे शंका बन रही है।